नमस्कार दोस्तों, कॉलेज पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है। जो छात्र फेल हो गए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो अगर आप कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और दो विषय में फेल हो चुके हैं तो उन छात्रों को पूरा का मौका दिया जाएगा, मतलब नियम में बदलाव किया जाएगा। इस पर मीटिंग हो चुका है, केवल आदेश आना बाकी है। तो किस प्रकार से नियम में बदलाव होगा यह सभी जानकारी आपको दिया जाएगा। आप जितने भी यूनिवर्सिटी हैं छत्तीसगढ़ में, सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों को फ़ायदा होने जा रहा है। जो छात्र फेल हो चुके हैं, इस वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखते रहिए और आपके सभी दोस्तों में अपने ग्रुपों में शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच जाए। तो ग्रेजुएशन में 2 वर्ष, मतलब ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, अगर आप दो विषय में फेल हो चुके हैं और आपको फेल कर दिया गया है, मतलब दो सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से फेल कर दिया गया है, तो इस बार नियम बदलने जा रहा है। यह सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू होगा। इस पर मीटिंग वगैरह सभी हो चुका है, केवल आदेश आना बाकी है। तो केवल एक ही यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर कुल रविशंकर में यहाँ पर दोस्तों जो छात्र हैं मतलब पास हुए हैं उनमें है 39%, जिसका दोस्तों 61% छात्र फेल हुए हैं। इन सभी को फ़ायदा मिलेगा इस बार। तो यहाँ पर जो छात्र फेल हुए हैं नियम में बदलेगा, जिसमें 80,000 को फ़ायदा होगा। केवल एक ही यूनिवर्सिटी का है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के मिलाएंगे तो बहुत सारा 6 लाखों में छात्र फेल हुआ है, तो यह फ़ायदा मिलेगा। तो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय समेत छत्तीसगढ़ के सभी राजकीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जो छात्र फेल हो गए हैं उनके लिए एक दोबारा मौका निकल के आ रहा है। वार्षिक परीक्षा में 2 वर्ष में छात्र फेल हो गए हैं उनको पूरक का प्रावधान दिया जाएगा। इस नियम में बदलाव किया जा रहा है। अभी ग्रेजुएशन में उन्हीं छात्रों को पूरक मिलता है, जैसे कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है उन्हीं केवल सप्लीमेंट्री का प्रावधान देता है। लेकिन दोस्तों इस नियम में बदलाव होगा, मीटिंग वगैरह हो चुका है, केवल फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है। इस बार दोस्तों सिर्फ इसी साल के लिए रहेगा, क्योंकि कोरोना काल के कारण 3 साल बाद इस बार ऑफलाइन मोड में परीक्षा हुई है। इसका असर रिजल्ट में भी दिख रहा है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में छात्र फेल हुए हैं, जिसमें रविशंकर ने ही दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ समेत अन्य विश्वविद्यालय के जो छात्र कमज़ोर हैं, रिजल्ट में कमज़ोर रहा है। जो छात्र फेल हुए हैं उन्हें भी कई दो विषय में फेल हो गए हैं। तो दो विषय में पूरक की पात्रता मिलने के बाद केवल रविशंकर विश्वविद्यालय में 80,000 छात्रों को फ़ायदा होगा और यह आगामी परीक्षा में भी शामिल किया जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों किस प्रकार से नियम में बदलाव किया जाएगा, तो जो राजकीय विश्वविद्यालय के जिस ऑडियंस जो ऑर्डिनेंस है वहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, परीक्षा होता है, तो इसमें जो नियम है उसमें केवल एक ही विषय में पूरक का प्रावधान है, नियम है, तो इसको संशोधन करके 2 विषय की पूरक की पात्रता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आदेश जैसे आते हैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। इस प्रकार से नियम में बदलाव किया जाएगा और यह हर एक यूनिवर्सिटी के छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से यह जानकारी है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।